Student, I am Roopesh Kanwar Gaur, lecturer in Mechanical Engineering Department, Government RC Khetan Polytechnic College, Jaipur. आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा प्रीवियस टॉपिक से ही कनेक्टेड है, वो है हमारा स्क्रू मेजरमेंट पार्ट टू। ये ME 209 का टॉपिक है और इसको मेट्रोलॉजी पार्ट के अंदर हमारा पढ़ाया जाता है। तो हम देख लेते हैं कि लास्ट जो लेक्चर है उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था। उसके अंदर हमने सबसे पहले देखा था कि स्क्रू होते क्या हैं। कि स्क्रू होता है पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता है और एज ए टेम्प्रेरी फास्टनर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और स्क्रू थ्रेड्स की टर्मिनोलॉजी, एरर इन थ्रेड्स, कौन कौन सी एरर होती है थ्रेड्स के अंदर, मेजर डायामीटर, माइनर डायामीटर, इफेक्टिव डायामीटर, पिच एरर, फ्लैंक एंगल एरर, क्रेस्ट एंड रूस्ट रूट एरर। उसके बाद में हमने देखा कि हमारे कौन कौन से मेज़रमेंट होते हैं या किन किन एलिमेंटों का हम मेज़रमेंट करते हैं। उसके अंदर था हमारा मेजर डायामीटर, माइनर डायामीटर, इफेक्टिव डायामीटर, पिच एंड थ्रेड एंगल एंड फॉर्म। हमारे जो कोर्स के अंदर है, जैसे मैंने पहले बता दिया था, मेजर डायामीटर, माइनर डायामीटर और इफेक्टिव डायामीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था मेजर डायामीटर, जो था हमारा बैच और ऑर्डरिंग टाइप माइक्रोमीटर से निकालने का, ठीक है। और अब आज हम पढ़ेंगे हमारा माइनर डायामीटर हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा माइनर डायामीटर हम कैसे निकाल सकते हैं, माइनर डायामीटर हम निकाल सकते हैं मेजर्ड बाय कंपैरेटिव मेथड बाय यूजिंग फ्लोटिंग चैम्बर डायामीटर मेजरिंग मशीन एंड वी पीसेस। तो क्या करेंगे, इसके अंदर जो वी पीसेस होंगे वो क्या होते हैं, हमारे बहुत ही सेवरल टाइप के साइज़ के हमारे बने हुए होते हैं, जो कि इसकी हैविंग सूटेबल रेडियाई एट द एजेस, जिस पे उनकी सूटेबल रेडियाई होती है। हार्डन स्टील के बने होते हैं और फ्लोटिंग जो कैरिज होता है डायामीटर मेजरिंग मशीन, इसे बैच माइक्रोमीटर माउंटेड ऑन द कैरिज, इसके कैरिज पे बैच माउंटेड आपका मैरिज होता है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम कि इसका मेज़रमेंट प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले जो थ्रेडेड पार्ट होता है उसको क्या करते हैं, हम दोनों इसके सेंटर पे माउंटेड कर देते हैं। सेंटर पे माउंटेड करने के बाद में जो इसके वी पीसेस हैं, वी पीसेस को क्या कर देंगे हम थ्रेड्स के साइड पे लगा देंगे, इस साइड ऑफ द थ्रेड वर्क पीस के जो साइड है उसके लगा देंगे। देन उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसे माइक्रोमीटर की जो एनविल है उसे हम फिक्स करके देन उसके बाद में माइक्रोमीटर से इसकी रीडिंग ले लेंगे। तो इससे जो रीडिंग आएगी वो कहलाएगी हमारी R2, ठीक है। देन उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसकी जो वर्क पीस है हमारा उसको हम रिप्लेस कर देंगे हमारा स्टैंडर्ड सिलेंड्रिकल गेज से, ओके। और देन उसके बाद में हम फिर इसकी माइक्रोमीटर से रीडिंग ले लेंगे, जिसका जो वैल्यू आएगा वो होगा हमारा R1। तो इसी तरह से जो हमारा माइनर डायामीटर निकालने का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, दैट इज़ डी प्लस माइनस R2 माइनस R1। डी क्या है हमारा, डायामीटर ऑफ सिलेंड्रिकल गेज, R2 क्या है हमारा, माइक्रोमीटर रीडिंग और थ्रेडेड वर्क पीस जो हमने यहाँ से निकाली थी, ठीक है। R1 क्या है हमारा, माइक्रोमीटर रीडिंग ऑन ए सिलेंड्रिकल गेज जो हमने इस तरह से निकाली थी। अब इस तरह से निकालने के बाद में हम इनके माइनर डायामीटर है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है हमारा मेजरमेंट ऑफ इफेक्टिव डायामीटर। तो इफेक्टिव डायामीटर है वो हम कई तरीके से निकाल सकते, जैसे 1 वायर मेथड, 2 वायर मेथड एंड 3 वायर मेथड, और एक होता है हमारा जो थ्रेड माइक्रोमीटर है उससे भी हम हमारा इफेक्टिव डायामीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। देन इसके बाद में सबसे पहले हमारा जो प्रोसीजर है, सबसे पहले जो हमारा जिससे हम मेजरमेंट कर सकते हैं वो हमारा है 1 वायर मेथड, ठीक है। तो 1 वायर मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे इस पिक्चर के अंदर हमको दिख रहा है कि यहाँ पे जो थ्रेड के बीच में है, दो थ्रेड्स के बीच में है, वो हमने एक वायर सूटेबल जो वायर होता है उस वायर को हमने लगा दिया बिटवीन द टू
थ्रेड्स और इसके बीच में क्या किया है जो, फिर देन उसके बाद में क्या किया है जो माइक्रोमीटर के एनविल हैं उसको लेके आए हैं, जो कि हमारा एक तो वायर से हमारा टच कर रहा है और दूसरी साइड से क्या कर रहा है थ्रेड्स का जो क्रेस्ट है उससे हमारे टच कर रहा है। अब देखते हैं कि हम इसे कैसे हमारा इफ़ेक्टिव डायमीटर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि जो जो हमारा जो फर्स्ट हम जो सेट किया है थ्रेड्स के बीच में वायर को, तो माइक्रोमीटर से हम फर्स्ट इसकी रीडिंग ले लेंगे, वो कहलाएगा हमारा D2। देन उसके बाद में हम क्या करेंगे कि जो ये जो थ्रेड है इसको हम रिप्लेस करेंगे एक स्टैंडर्ड गेज से, जिसका जो डायमीटर होगा अप्रोक्सीमेटली सेम होगा जो थ्रेड से हमारे आएगा जिसकी डायमीटर, ठीक है। देन उसके बाद में उससे जो रीडिंग नोट करेंगे माइक्रोमीटर की वो होगी हमारी D1, ठीक है। तो अब इसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास में है इफेक्टिव डायमीटर निकालने का, कैपिटल डी प्लस माइनस D1 माइनस डी। तो यहाँ पे जो D2 है वो तो हो गया हमारा थ्रेडेड डायमीटर से जो हमने डायमेंशन निकाली थी D1, ठीक है, और D2 हो गया हमारा जो स्टैंडर्ड गेज से हमने डायमेंशंस माइक्रोमीटर की निकाली थी। तो इस तरह से हम एक वायर से यूज़ कर सकते हैं इफेक्टिव डायमीटर निकालना। देन उसके बाद में हमारा टू वायर मेथड हमारा, इसके अंदर हम क्या करते हैं दो सूटेबल वायर यूज़ करते हैं और इन दो सूटेबल वायर को क्या करते हैं थ्रेड के बीच में हम लगा देते हैं लाइक इस तरह से। ये जो दो थ्रेड्स हैं दोनों साइड पे, दोनों थ्रेड्स के बीच में हम क्या करते हैं दोनों वायर को लगा देते हैं और इसके उसके ऊपर हमारा आ जाता है फिजिबल इंडक्टर इसके बाद में हमारे पास में लगा देते हैं इसमें माइक्रोमीटर एनविल, ठीक है। अब माइक्रोमीटर एनविल निकालने के बाद में हम क्या करते हैं इसकी जो डायमेंशन है वो डायमेंशन हम नोट कर लेते हैं। देन अब निकालते हैं हमारा इफेक्टिव डायमीटर बाय टू वायर मेथड। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है, सेम वही प्रोसेस होता है, पहले हमारा जो स्टैंडर्ड गेज होता है, ये जो हमारा फर्स्ट ऑपरेशन आपको दिख रहा है इसमें क्या होता है फर्स्ट स्टैंडर्ड हमारा जो गेज होता है उस गेज के थ्रू हम पहले माइक्रोमीटर की रीडिंग निकालते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में हम निकालते हैं सेकंड माइक्रोमीटर की रीडिंग सेकंड ऑपरेशन के अंदर, जिसके अंदर जो स्टैंडर्ड जो हमारा गेज है उसको रिप्लेस कर देते हैं हम थ्रेड से और इससे हम निकाल लेते हैं हमारा नेक्स्ट रीडिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इफेक्टिव डायमीटर क्या होता है। इफेक्टिव डायमीटर उस केस के अंदर होता है E इज इक्वल टू टी प्लस पी। टी होता है यहाँ पे डायमेंशन अंडर द वायर, जो है हमारी M माइनस 2D। एम क्या है हमारी डायमेंशन ओवर द वायर, जो मैक्सिमम डायमेंशन होगी जो जो वायर से हम लेंगे माइक्रोमीटर की रीडिंग वो कहलाएगी हमारे M। देन D हो जाएगा हमारा डायमीटर ऑफ वायर। अगर P डैश हमारा पिच ऑफ द थ्रेड होता है देन P होगा हमारे पास में 0.9605 P - 1.1657 D ये ऑफ द विर्थ वर्स के केस में। एंड नेक्स्ट होगा वो होगा हमारा मैट्रिक के केस में, वो है हमारा 0.866 P - d फॉर अ मैट्रिक केस। यहाँ पे P क्या है, P है आपका डिफरेंस बिटवीन द इफेक्टिव डायामीटर एंड द डायामीटर ऑफ द वायर अंडर द वायर्स वायर्स के बीच में डायमेंशन होगी वो कहलाएगी हमारी P। ये जो हमारी देखिए अब डायग्राम के अंदर अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो ये जो है ये जो डिस्टेंस है ये जो दिख रही है P/2 एंड P/2 ये कहलाएगी हमारी डायमेंशंस अंडर द वायर। देन इसके बाद में हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं टी कैसे हम निकाल सकते हैं T = S - R1 - R2। S क्या है हमारा डायमीटर ऑफ द स्टैंडर्ड से जो हमने डायमीटर निकाला है। R1 क्या है हमारा माइक्रोमीटर रीडिंग ओवर द स्टैंडर्ड एंड वायर। एंड R2 होगा हमारा माइक्रोमीटर रीडिंग ओवर ए थ्रेडेड एंड वायर, ठीक है।
देन हम अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो है जो पी का वैल्यू है इज ड्राइव इन टर्म्स ऑफ पी डी डायमीटर एंड एक्स थ्रेड एंगल. ठीक है, इससे जो हमने निकाला वो जो हमारा निकला फॉर्मूला वो था हमारा इस तरीके से, वो हमारा वो निकला है हमारे पास में दैट इज पी पी इजिकल टू पी बाय टू कॉट एक्स बाय टू माइनस डी ब्रैकेट के अंदर कॉस एक्स एक्स बाय टू माइनस वन. तो इस तरह से हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं जो हमारा इसमें ये दिया गया है. अब देखते हैं हमारा थ्री वायर मेथड. जैसे कि हम बताएं जैसे जो वन वायर मेथड था उसके अंदर हमने एक वायर यूज़ किया था, टू वायर मेथड के अंदर टू वायर यूज़ किए थे और थ्री वायर मेथड के अंदर हमने थ्री वायर यूज़ करेंगे. इसके अंदर जो एक वायर होगा वो एक वायर एक साइड लगेगा दो थ्रेड्स के बीच में और जो दो वायर होंगे वो नेक्स्ट साइड पे लगेंगे और इसके ऊपर हम लगा देंगे हमारे माइक्रोमीटर और उससे हमारी रीडिंग नोट कर लेंगे. थ्री वायर मेथड के अंदर क्या होता है कि इसमें हमको स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलती है क्योंकि जो हमारा माइक्रोमीटर होता है उसको दो वायर मिल जाते हैं हमारे सेट होने के लिए. वन वायर मेथड हमारा सबसे अनस्टेबल रहता है. देन हम अब इसका क्या करेंगे, हम निकालेंगे इससे देखते हैं हम इसे कैसे इफेक्टिव डायमीटर हम निकाल सकते हैं. तो इसके अंदर हम देखते हैं सबसे पहले एस है, एस क्या है हमारा डिस्टेंस ओवर द वायर. ओके, एस है हमारा डिस्टेंस ओवर द वायर. डी है हमारा इफेक्टिव डायमीटर, आर है हमारा रेडियस ऑफ वायर और डी है हमारा डायमीटर ऑफ द वायर दैट इज टू आर. अब जो मैक्सिमम डिस्टेंस है या जो बोल सकते हैं डिस्टेंस ओवर द वायर वो क्या होगी हमारी, इसे इस तरीके से हम देखते हैं दैट इज एस ई इज इक्वल टू डी ई प्लस टू एच प्लस टू आर. डायग्राम में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे देखिए एस ये पूरी डिस्टेंस है आपके पास में, तो हमारे पास में क्या हो जाएगी ये एस हो जाएगी हमारा ये इफ़ेक्टिव डायमीटर. ठीक है, देन एच एंड देन उसके बाद में ये टू आर. तो क्या हो जाएगा हमारे पास में एस हो जाएगा हमारे पास में इफ़ेक्टिव डायमीटर प्लस टू एस टू एच, क्योंकि ऊपर भी एच होगा और नीचे की साइड में दूसरी जो साइड होगा उसके अंदर भी एच होगा तो हो जाएगा एच प्लस एच इज इक्वल टू टू एच. इसी तरीके से जो हमारी आर होगा वायर का जो डायमीटर होगा वो एक साइड पे आर होगा नेक्स्ट साइड पे हमारा आर होगा तो आर प्लस आर दैट इज़ टू आर. तो ये हमारा जो टोटल जो डिस्टेंस होगा ओवर द वायर वो हमारा निकल जाएगा. अब इसके अंदर से हमारा एस नोन होता है, ठीक है, डी ई अननोन होता है, बाकी जो सारी वैल्यूज़ होती है हम कंपेरेटिव जो डायग्राम बना के हैं उससे हम हमारी बाकी सारी वैल्यूज़ को हम निकाल लेते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ अल्फा, ठीक है, और एंगल्स के अंदर चेंज हो जाएगी और ये वायर डायमीटर के अंदर आ जाएगा. इस तरह से हमारी जो सारी चीज़ अननोन हो जाएगी, एस नोन हो जाएगा, डी नोन हो जाएगा, एंगल नोन हो जाएगा और इस तरह से हम डी ई कैलकुलेट कर लेंगे इफेक्टिव डायमीटर. अब जैसे विड्थवर्थ के केस के अंदर जो एंगल होता है वो अल्फा होता है 55 एंगल और डेप्थ ऑफ द थ्रेड होती है वो होती है हमारी 0.64 ऑफ पी. ठीक है, तो इस तरह से हम जो वैल्यू रख देंगे, वैल्यू रखने के बाद में एंगल का वैल्यू अगर हम रखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास में डी भी नोन हो जाएगा, एस भी नोन हो जाएगा और इफेक्टिव डायमीटर हम इससे निकाल सकते हैं. अब देखते हैं वेस्ट वायर मेथड. अब वेस्ट वायर मेथड क्या है, वेस्ट वायर डायमीटर क्या होता है हमारा कि जो भी हम डायमीटर यूज़ कर रहे हैं या जो भी वायर का डायमीटर हम यूज़ कर रहे हैं इन केस ऑफ वन वायर मेथड, टू वायर मेथड, थ्री वायर मेथड, तो हमें चाहिए कि जो वायर हो दैट इज़ बेस्ट सुटेबल फॉर अ थ्रेड मेजरमेंट. ओके, तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि बेस्ट वायर डायमीटर इज़ दैट मेक कॉन्टैक्ट विद द फ्लैंक्स ऑफ द थ्रेड्स ऑन द पिच ऑफ द लाइन. ठीक है, पिच ऑफ द लाइन के हमारे फ्लैंक होता है उस पर हमारा टच करना चाहिए और इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ बेस्ट डायमीटर इज इक्वल टू पी टू सेक एक्स. P
पी होता है हमारा, दैट इज़ पी बाय फोर होता है, पी क्या होता है हमारा, दैट इज़ पिच के। तो इस तरह से हम उसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं बेस्ट डायामीटर का। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा थ्रेड माइक्रोमीटर, जैसे कि डायग्राम के अंदर आपको शो हो रहा है कि हम कैसे हमारा थ्रेड का जो इफ़ेक्टिव डायामीटर है वो थ्रेड माइक्रोमीटर से हम निकाल सकते। इस मेथड के अंदर जो हम रीडिंग है हमारी या माइक्रोमीटर का जो डायामीटर है वो हम डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा माइक्रोमीटर होता है, माइक्रोमीटर के अंदर हम ये इस तरह से एनविल हमारी लगाते हैं। ये एनविल एक जो वन साइड पे लगती है ये हमारा होता है स्पिंडल टाइप में, और दूसरे टाइप में होता है हमारा वी ग्रुप्स टाइप में। तो इसके अंदर जैसे इस थ्रेड्स के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि एक साइड पे हमने ये जो स्पिंडल टाइप में वो लगा दिया एनविल, और दूसरे साइड पे इस तरह से थ्रेड। अब ये इस तरह से बने होते हैं ये एनविल्स के हमारा जो थ्रेड है वो कहीं पे भी हमारा ख़राब ना हो, इसके जो एजेस हैं वो प्लंट होते हैं ताकि जो इस थ्रेड से वो हमारा ख़राब ना हो, ना तो उसके रूट ख़राब हो ना उसका क्रेस्ट ख़राब हो, ठीक है। अब ये जो एनविल्स हमारे आते हैं ये हमारे सेट के अंदर आते हैं अकॉर्डिंग टू कि किस टाइप का हमारा थ्रेड है। मैट्रिक्स थ्रेड होगा तो मैट्रिक थ्रेड के हिसाब से आप लगाएंगे, और जो विथफर थ्रेड होगा तो विथफर थ्रेड्स के हम लगा देंगे। और इनको लगाने के बाद में हम क्या करेंगे, माइक्रोमीटर से रीडिंग हम नोट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका इफ़ेक्टिव डायामीटर निकाल सकते हैं।